ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा फ्रिज फ्रीज़र इस टाइम भरा हुआ है गोश्त से, और इतना गोश्त है कि समझ नहीं आ रही कि इस गोश्त को रखें कहाँ पर। ये हमने रखा है बारबेक्यू के लिए जो हम हमेशा करते हैं, और बाकी ये सारा गोश्त जो खानों में बनेगा। ये बाकी सब जो है ना ये बीफ है, वो जो है ऊपर वाला ये मटन है। ये मटन है, वो मटन जो हमारा बेचारा था प्यारा सा बकरा ये उसका, और बाकी ये सब जो लोगों की तरफ से आते रहे वो है। और पूरा फ्रीज़र हमने इतना प्यारा करके धोया था और सब भर चुका है। हाँ जी, तो आज हमारे घर में पक रहा है मटन की मटन यखनी मटन वाइट यखनी। यस, यखनी वाइट यखनी है ना, दूध वाली होती है। तो यखनी के लिए जो सबसे पहले हमने करना है ना, हमने ये करना है कि जो मटन होगा हमारा उसको हमने धो के, मतलब उसको जो है उसमें एक कुकर में, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालना है और इतना सा अंदाजन डालना जिसमें मटन गल जाए, ठीक है। फिर उसमें हमने डालना है पुदीना, सूखा हुआ पुदीना, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके साथ हमने डालनी है सौंफ, ठीक है, अपने अंदाजे से डाल लेनी है, ठीक है। डाल के फिर उसको हमने क्या करना है कि तकरीबन मटन को गलने में लगते हैं 20 to 25 minutes, 30 minutes तक जो है मटन तकरीबन गल जाता है। कुर्बानी का गोश्त आपको पता है जो है वो बहुत जल्दी जो है वो गल जाता है। तो उसके लिए हमने पहले उसको कुकर में चढ़ा लेना है, चढ़ा के 25 मिनट्स तक, उसके बाद हमने जो है वो स्टोव ऑफ कर देना है। आप जो है ये अब गोश्त देखिए, ये मैंने चढ़ाया हुआ था, ये बिल्कुल बिल्कुल गल चुका है, ये देखें आप बिल्कुल गल चुका है। तो ये हो गया। उसके बाद सेकंडली इसको हमने उतार लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद सेकंडली हम क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे, और पैन, और इसमें हम ऑनियन जो है ना, एक ही ऑनियन होता है, ऑनियन हम जो है वो एक मोटा सा ऑनियन ले लेंगे और उसको लाइट कलर में जो है वो फ्राई कर लेंगे। इसमें जो है हम तकरीबन एक चाय का चम्मच के हिसाब से लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि जो मटन होता है उसकी एक स्मेल सी होती है, तो वो जो होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको भूनेंगे। फिर उसके बाद ये जो बीफ था ना, हमने जो बॉइल किया था, ये हम इसमें से निकालेंगे, बिल्कुल साफ़ कर देंगे, ठीक है, कोई मसाला उसके साथ ना हो। और इसमें जो है ऑनियन में हम शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर तक जो है वो भूनेंगे। वैसे तो मटन बिल्कुल गला हुआ है, थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे ताकि वो थोड़ा सा ना अपना कलर चेंज कर ले ऑयल के बीच में और ऑनियन के साथ, ठीक है। यखनी जो है ये जो होती है ना, मटन की बनाएं या चिकन की बनाएं, ये जो होती है ये एक कश्मीरी जो है ना डिश इसको बोला जाता है, कश्मीरी, कश्मीर में ये बहुत ज़्यादा जो है वो बनाई जाती है और खाई जाती है। तो ये हमने इसमें मटन को थोड़ी देर तक हम जो है ना भूनते रहेंगे, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये जो है ना मटन जो है वो लगे ना, ठीक है, बस उसको भूनते रहेंगे थोड़ी देर तक। जिसके साथ देखिए हमने वाइट राइस बनाने हैं, उसके लिए जो है पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम अपने राइस जो है वो शामिल करेंगे। वैसे कश्मीरी अमन तो है, वैसे कश्मीरी तो कश्मीरी होते हैं ना, वो राइस जो है वो बहुत शौक से खाते हैं, जो वाइट राइस होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा चम्मच ला देती हूँ ताकि राइस में ठीक से, ठीक है, ये भी हो रहा है। और ये देखिए हमारा मटन भी तकरीबन से अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिए, प्याज तो है वो बेशक जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई ना हो, लाइट साइड से भी होंगे तो फिर वो जल जाते हैं ना, तो फिर उसका फिर टेस्ट नहीं रहता, ठीक है। फिर गोश्त जो है वो तकरीबन बिल्कुल गला हुआ है, तो ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम करती हूँ, ठीक है। मटन हमारा हो चुका है, अब हम सिर्फ ये करते हैं कि इसमें हम डालते हैं दूध, ठीक है, अंदाजे खड़े डालते हैं। दूध इसमें हमने डाल लिया, ये देख लें आप कितना प्यारा सा कलर आ गया है यखनी का। बस अब हमने इसको बॉयल का होने तक पकाना है, ठीक है,
और नमक जो है, सॉरी मैं बताना भूल गई, नमक जो है ना वो पहले ही हम जो जब कुकर में चढ़ाएंगे ना मटन, तो उसमें हम पहले ही नमक भी डाल देंगे साथ ही, ठीक है। अभी जो स्टेज पे नमक नहीं डालना, वरना फिर जो यखनी होती है ना इसके फटने का ख़तरा होता है। तो अभी जो है वो हम जो पानी जो बाकी जो बचा है ना, ये पानी जो बचा हुआ है इसको हम साफ़ करके ना, ये जो उसमें जो मसाले वगैरह हैं वो हम छान के, फिर ये पानी भी इसमें जो है ना वो एक हिसाब से, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इतना डालेंगे कि यखनी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतली ना हो जाए, थिक ही रहे बस, ठीक है। ये थोड़ी देर तक बॉयल होएगा और फिर इसमें हम ये वाला पानी शामिल करेंगे, मटन वाला पानी, और फिर उसके बाद हम इसको जो लास्ट में जो है वो इसमें हम शामिल करेंगे। जब ये लगेगा कि बहुत थिक हो गई है यखनी, तो फिर लास्ट में जो है हम इसमें इलायचियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी कूट के वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इलायची पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इलायचियाँ शामिल करें। अब ये देखें इसमें इतना अच्छा बॉयल आना शुरू हो गया है ना यखनी में। अब हम जो है साथ हमारे जो राइस हैं वो भी बॉयल हो गए, तो इसमें आप जो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने पानी निकाला था ना, ये यखनी का पानी, ये मैंने छान लिया है, ठीक है, छान के साफ कर लिया है। अब लास्ट में ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें शामिल करते रहेंगे। देखेंगे अंदाजा, अंदाजे का जो होगा ना, जैसे ये हम इसमें शामिल करते रहेंगे। ये आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा जो तो बस ना बोट। अब आप देखें हमारी यखनी जो है इसमें कितना बॉयल आ गया है, बस ये डन हो गई है, थोड़ी सी थिक होगी, हम इसको बंद कर देंगे। और इसके लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था ना इलायची पाउडर डालना है, लास्ट में जो है मैं इसमें इलायचियाँ जो है वो ऐड करूँगी। ये देखें इलायचियाँ जो है वो मैंने इसमें मिक्सर में ग्राइंड कर ली है, वो मैं इसमें एंड में ऐड कर लूँगी ऐसे, ठीक है। तो बस हमारी यखनी डन है, थोड़ा सा ये जो होगी वो थोड़ी सी इसको मैं और थिक करूँगी, तो फिर मैं इसका जो चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी इसके नीचे से। अब आप बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मटन यखनी की, और इसको आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। और फाइनली और हमारा जो है हमारा जो चैनल है ख्वाजा सिस्टर्स, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ी सी आप भी हमारी मेहनत का हौसला दे दें हमें, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।